नमस्ते फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मल्टी लेयर्ड लाचा पराठा। ये गेहूं के आटे से भी बनती है, मैदे से भी बनती है। आज हम बनाएंगे इसे गेहूं के आटे से। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। गेहूं का आटा लें, ऐड कर दें हल्का नमक और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा को गूंद लें। बिल्कुल रोटी का आटा जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हमें आटा लगाना है। आप जब भी रोटी या फिर पराठा का आटा लगाएं तो थोड़ा टाइम लेकर अच्छे से गूंदें, तो रोटी या पराठा नरम मुलायम बनेगी। ऐसे ही सॉफ्ट आटा लगाना है और ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख दें या फिर किसी गीले कपड़े से अच्छे से कवर कर दें। 10 मिनट रेस्ट के बाद आटा और भी लचीला हो जाएगी। अब इसके पेड़े काट लें। पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे या फिर बड़े, जिस साइज़ का पराठा बनाना चाहते हो उसी साइज़ के काटें। पर लच्छे पराठा तो थोड़ा मोटे और बड़े ही होती है, तो मैं बड़े साइज़ के पेड़े ही काट रही हूँ। पराठे में लच्छे लाने के लिए हमें इसे दो बार बेलना पड़ेगा। पहले तो इसे आप रोटी जैसा बेल लें और बड़ा सा राउंड करें। अब इसके ऊपर आप तेल या फिर घी से अच्छे से ग्रीस करें। यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करना है। इस तेल या फिर घी के ग्रीस के कारण ही इसमें अच्छे लच्छे आएंगे। अब इसके ऊपर आटा या फिर मैदा आप जिससे बना रहे हो उसी को छीट दें और अच्छे से फैला दें। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं जिस तरह से इसमें लेयर लगा रही हूँ उसी तरह से आपको लेयर लगाना है। और फ्रेंड्स, निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो तुरंत एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही सावधानी से एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर लगाते जाएं और ऊपर से हल्के हल्के प्रेस करते जाएं। जब लेयर्स कंप्लीट हो जाए तो हल्के हाथों ऊपर से प्रेस करें, टर्न करें और हल्के हाथों लंबाई में दोनों तरफ स्ट्रेच करें। बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेच करें वरना बीच से टूट जाएगी। अब इसे सर्कुलर मोड़ते हुए एक रोल बना लें और एंड पार्ट सेंटर में ज्वाइन कर दें। सेम तरीके से सारे पेड़े को तैयार कर लें। ऑयल से सारे पेड़े को फिर से ग्रीस करें, एक मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ से अच्छे से ढक दें और 10 मिनट के लिए और भी रेस्ट दें। 10 मिनट हो चुकी है, अब इस पेड़े को बेलें और पराठा बनाएं, पर सही टेक्निक से। अगर सही टेक्निक से ना बेला जाए तो इसके लेयर्स खुलेंगे नहीं। आटे में डिप करें और बेलन से बहुत ही हल्के हाथों बेलें, बिल्कुल भी ना दबाएं। बेलन को सेंटर से इनसाइड और आउटसाइड की तरफ बहुत ही हल्के हाथों चलाएं ताकि आपने जो लेयर्स लगाए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फैल जाए। और पराठे को नॉर्मल से थोड़ा मोटा ही रखें। यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया लेयर्स आए हैं। अब मैं इसे सेक कर भी बताती हूँ और सारे लेयर्स लेयर बाय लेयर खुलेंगे भी। इसे तवे में डालने से पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लें और ऑयल से ग्रीस कर लें। मीडियम फ्लेम में इसे पलट पलट कर अच्छे से ऑयल देकर सेकें। ऑयल देते ही इसके लेयर्स अपने आप ही खिलने लगेगी। मैं यहाँ पे इसके लेयर्स भी दिखाती हूँ कितने बढ़िया खिल चुके हैं। देखिए कितने सारे लेयर्स, मैंने जितने सारे लेयर्स लगाई थी वो सारे लेयर्स यहाँ पे बहुत बढ़िया से खिल चुके हैं। इस पराठे को सेकते वक्त तेल या फिर घी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें और बिल्कुल कड़क सेकें, तब ये खाने में बहुत अच्छी और कुरकुरे लगेगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक और सब्सक्राइब किए भी नहीं चले जाते हो, तो निवेदन है फ्रेंड्स कि एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अक्सर हम ढाबे या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जब खाते हैं तो हमें लगता होगा कि पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपको इस वीडियो देखकर समझ में आ ही चुका है। तो फ्रेंड्स, घर का खाएं, हेल्दी रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय।